हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्री फायर इंडियन वर्जन के बारे में। तो गाइज, इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना, तभी आप समझ पाओगे इसके अंदर का रीजन क्या है। और इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि फ्री फायर इंडियन वर्जन में कब आने वाला है, और साथ ही में गाइज इस वीडियो में एक्सप्लेन ये भी करने वाला हूँ कि फ्री फायर और फ्री फायर लाइट में क्या संबंध है। क्योंकि फ्रेंड, आप अलग अलग बंदे से अलग अलग बातें सुनते होंगे, क्योंकि गाइज सबसे बड़ा लोगों में कन्फ्यूजन ये है कि फ्री फायर बैन होने के बाद फ्री फायर इंडियन वर्जन में आएगा। तो गाइज वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, बस कम समय में सटीक जानकारी बता के जाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले गाइज आप देख सकते हो कि इतना परसेंट लोग देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा लें, क्योंकि मैं क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी लाता हूँ। तो सबसे पहले गाइज ये बात कर रहे थे कि फ्री फायर बैन क्यों किया, क्योंकि हमारा गोपनीय सुरक्षा खतरा में था, इसलिए भारत सरकार ने डिटो स्ट्राइक के तहत चेवन चैलेंज ऐप को बैन कर दिया था, और साथ लोकप्रिय गेम फ्री फायर को भी। तो गाइस आप जानते होंगे कि पबजी बैन होने के बाद कैसे एक सप्ताह के अंदर पबजी मोबाइल से खत्म हो गया था, लेकिन गाइस फ्री फायर के साथ अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो दरअसल बात यह है कि शुरू भारत सरकार को लग रहा था कि फ्री फायर भारतीय डाटा सुरक्षित है, इसलिए भारत सरकार ने फ्री फायर को बैन कर दिया था। लेकिन गाइस फ्री फायर यूजर्स को अब ये लगने लगा कि जो फ्री फायर रियल है यानी कि फ्री फायर इल्यूमिनाटी, वो अब बैन हो जाएगा और फ्री फायर इंडियन वर्जन में आएगा जैसे कि पबजी आया था। लेकिन गाइस यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार अभी तक बैन करने का कोई रीज़न नहीं मिला है, इसलिए फ्री फायर बैन नहीं हो रहा है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में फ्री फायर इंडिया वर्जन में आएगा? और यूजर्स को ये भी लग रहा है कि फ्री फायर लाइट आने वाला है, तो गाइस बताना चाहता हूँ कि फ्री फायर का जुआल है वो भी लाइट का है। तो गाइस मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ।